ये काजी वड़ा, काजी वड़ा हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि काजी वड़ा बहुत कम जगह मिलता है, यूपी में मिलता है, मैक्सिमम यूपी की आइटम है। गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, मथुरा, वृंदावन, कोसी। आप कहाँ के रहने वाले? आप कहाँ के रहने वाले गुप्ता जी? फरीदाबाद के। फरीदाबाद के ही रहने वाले और पिछले 42 साल से यहाँ पे। ठीक है, काजी वड़ा जरा टेस्ट करा दीजिए गुप्ता जी हमें। दोस्तों इस वक्त हम फरीदाबाद में हैं, फरीदाबाद तालाब रोड के, तालाब रोड पर। फरीदाबाद है आईटीआई के पास, आईटीआई के पास। गुप्ता जी खुद बता रहे हैं अपना एड्रेस, और फरीदाबाद के रहने वाले लोगों को बिल्कुल इनकी पहचान होगी। गुप्ता जी हमारे पिछले 42 साल से खड़े तालाब रोड पे, है ना, चाट बनाते हैं और बनाते हैं ये काजी वड़ा। काजी वड़ा हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि काजी वड़ा बहुत कम जगह मिलता है, यूपी में मिलता है, मैक्सिमम यूपी की आइटम है। गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, मथुरा, वृंदावन, कोसी। आप कहाँ के रहने वाले? आप कहाँ के रहने वाले गुप्ता जी? फरीदाबाद के। फरीदाबाद के ही रहने वाले और पिछले 42 साल से यहाँ पे। ठीक है, काजी वड़ा जरा टेस्ट करा दीजिए गुप्ता जी हमें। देखिए काजी, काजी किस किस चीज की बनती है गुप्ता जी? ये राई का पानी, राई का, राई मसाले, हींग, काला नमक, सफेद नमक। और जो वड़ा बनता है वो किस चीज का है? मूंग की दाल का। मूंग की दाल का, मूंग की दाल का। अच्छा, ये जो है गर्मियों में फायदेमंद रहता है, पेट के लिए अच्छा होता है, ठंडक होती है ना, तासीर ठंडी। आज में दाल, आज में दाल होता है। फरीदाबाद में और कहीं नहीं मिलता ना अंकल? नहीं, दो ही पड़ेंगे। राई का बनता है, इसमें और क्या क्या डालता है? हींग पड़ती है, काला नमक पड़ता है, सफेद नमक पड़ता है, काली मिर्च पड़ती है, कई मसाले होते हैं। अच्छा, वाकई में बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है गर्मियों में मेरे हिसाब से। राई का पानी आपको बारह मौसम मिलता है? लेकिन बिकता सबसे ज्यादा बिकता गर्मियों में? नहीं, हमेशा बिकता, ठंडी ठंड में बिकता। रिफ्रेशिंग है और गर्मियों में तो जरूर पीना चाहिए, पेट के लिए ठंडा रहता है, तासीर ठंडी होती है इसकी। और साथ में बड़े हैं, मूंग की दाल के बड़े या उड़द की दाल के बने? मूंग की दाल के, मूंग की दाल के बड़े। और एक आप इधर क्या बता देते हैं, पानी तो है ही शानदार, साथ में बड़े हैं। बड़े को भिगोना पड़ता है? हाँ जी। कितना तल के? तल के ठंडे करके जब भिगोने पड़ते हैं, तल के पानी में जब ठंडे हो जाएंगे उसके बाद। और दाल को? दाल को तीन घंटे पहले दाल को भिगोना पड़ता है, और उसके बाद बड़े बनते हैं। वो भी तरीका बता दिया गुप्ता जी ने। कितने रुपए की है ये कांजी वड़ा? कितने का? 30 रुपए का। 30 रुपए का है, जिसमें दो वड़े मिलते हैं आपको। जी हाँ। और भाई साहब ठंडा एकदम चिल्ड। मेरे हिसाब से फरीदाबाद आ रहे हैं, फरीदाबाद के आसपास के हैं, तो यहाँ पर आपको जरूर आना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बन रही है किश्तदार फूड चैनल। बाय बाय।